हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और सारे असाध्य और जितने भी जटिल रोग हैं मैं होम्योपैथिक दवाइयों से उनका इलाज करता हूं। आप सभी का स्वागत है। आज जिस केस की चर्चा हम करेंगे वो केस बहुत ही मज़ेदार केस है। सुबह का समय था, मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था। कोई मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो एक पेशेंट को लेकर आते हैं और मेरे केबिन के अंदर जैसे वो घुसते हैं और बड़े ही रौब वाले अंदाज में, डॉक्टर साहब नमस्कार और कैसे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग करते हैं, नहीं तो अक्सर डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो बहुत आदर से सत्कार से झुक के, वो भी आदर कर रहे थे लेकिन उनका आदर करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा दूसरा था। ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी परेशान रहता हूँ, मुझे बहुत दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा परेशानी क्या है? डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि जब मुझे दर्द होगा तो मैं दूसरों का दर्द कैसे सही करूँगा? तो मैंने कहा दूसरों का दर्द मतलब मैं समझ में नहीं पाया कि दूसरे का दर्द का मतलब क्या है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास लोग अपनी समस्या लेके आते हैं और मैं उनकी समस्या को ठीक कर देता हूँ। जब मुझे ही ऐसी समस्या रहेगी तो मैं दूसरों की समस्या को कैसे ठीक करूँगा? और लोग कहेंगे क्या? लोग यही कहेंगे कि पहले आप अपनी समस्या ठीक करो फिर बाद में मेरी ठीक करना, मेरी कितनी बेइज्जती होगी डॉक्टर साहब। इसीलिए मैं अपनी समस्याओं को छुपा लेता हूँ और मेरे अंदर कोई पावर है, उस पावर से मैं सबको ठीक करता हूँ। तो मैंने कहा जब इतनी पावर है आपके पास तो आप खुद ठीक हो जाओ ना। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो पावर मुझे मिली है मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल दूसरों पर कर सकता हूँ, अपने पर नहीं कर सकता हूँ। मैंने पूछा क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि ये मेरे मित्र हैं, आपके बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे तो इसीलिए मैं सोचा कि चलिए एक बार आपसे मिल लेते हैं, देखिए मेरे लिए भी कुछ दवा दे दीजिए अगर हो तो। बाकी आते रहेंगे, जैसे आराम मिलेगा तो मैं इनको भेजता रहूँगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये अपने को इतना हाई लेवल का बंदा अपने को बता रहा है, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढमका हूँ। तो मैं ऐसे ही पूछ बैठा उससे कि करते क्या हैं आप, ऐसा कौन सा सामाजिक काम करते हैं आप कि आप दूसरे का कष्ट हरते हैं? आपके पास कुछ पावर है जिससे आप वो पावर दूसरे को सही करने में या जो कुछ भी करने में इस्तेमाल करते हैं, अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? ऐसी कौन सी विद्या है आपके पास, ऐसा कौन सा इलाज है? तो उन्होंने कहा कि मैं तांत्रिक हूँ। तो मुझे बड़ा हंसी आई, मैंने कहा कि आपका ठीक होना ज़रा मुश्किल है क्योंकि तांत्रिक वंत्रिक जल्दी ठीक होते नहीं हैं, ये बहुत गंदी विद्या है और मुश्किल है कि आप ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब आप तो दवा दो बस, ठीक होना नहीं ठीक होना वो तो हम चाहें जब चाहें तो अपने को ठीक कर सकते हैं लेकिन हम उस विद्या तक जाना नहीं चाहते हैं, आप तो दवा दो बस। अभी भी उसका भाव उतना ही आसमान पर था। उससे पहले मैं उसे ऐसे ही पूछा था कि कहीं आप तांत्रिक वंत्रिक के पास तो नहीं आते हैं? तो मुझे ऐसा लग गया था कि कहीं ये किसी दूसरे चक्कर में है। तो कहा नहीं, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं था, मैं खुद तांत्रिक हूँ, ऐसा करके था वहाँ पे। तो फिर मैंने उसको बेरेटर एल्बम दिया था। तो बेरेटर एल्बम 200 नंबर देने के बाद मैंने, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लगा था कि ये एक ही बार में ठीक हो जाएगा क्योंकि पूरा उसका लक्षण उसी का लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। डिलूजन ए रैंक ही इज ए पर्सन ऑफ, मतलब डिलूजन हीज ए पर्सन ऑफ ए रैंक, मतलब समाज में कोई उसका रैंक है। डिलूजन डिस्टिंग्विश्ड ही इज कैरी डिजायर टू बी फास्ट, बार बार कहता भी था डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि बार बार ना आना पड़े। और फियर सोशल पोजिशन अबाउट, उसको डर है कि अगर लोग जान जाएंगे कि हमारे में ही दिक्कत है तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा करने के बाद उसको बहुत काफ़ी आराम हुआ था लेकिन दोबारा वो आया नहीं क्योंकि जो उसको लेके आए थे वहीं फिर आके बताया कि डॉक्टर साहब उनको, हमारे गुरुजी को तो बड़ा आराम हो गया ये वो। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये केस था एक सिंपल सा लेकिन बहुत माथा पच्ची वाला केस था, ये बहुत हाई लेवल का केस था। हम बताते हैं तो हर चीज़ आसान लगती है कि अच्छा ये, लेकिन उस चीज़ को समझ के आँख के और यहाँ पर बताना थोड़ी सी एक कठिनाई वाली बात होती है कि वहाँ पेशेंट को हम कैसे समझ रहे हैं कि ये किस एंगल में जा रहा है। अब इस तरह के जो लोग होते हैं या इनको कुछ भी हुआ रहता, चाहे इनको पाइल्स हुआ रहता, चाहे इनको सांस की प्रॉब्लम रहती, चाहे इनको
एसिडिटी रहती, चाहे डायबिटीज़ रहती, चाहे बीपी की समस्या रहती, ये बंदा ठीक होता बेरेटरम एल्बम से। हम इसलिए आप लोग से बार बार कहते हैं कि होम्योपैथी में कोई विशेष दवा नहीं होती है कि हाँ बीपी की ये विशेष दवा है, टाइफाइड की ये विशेष दवा है, मतलब इसकी यही पर्टिकुलर दवा है, ऐसा कहीं होम्योपैथी में नहीं लिखा गया है। तो आप किसी भी समस्या का जड़ तक निराकरण करने के लिए एक अच्छे होम्योपैथ के पास इलाज कराएं। ठीक है, बस आज का केस इतना ही। थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ हो।